आनंद, आनंद। हेलो माणिकलाल जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आनंद कहाँ है? आनंद है ना अंदर, कुछ काम है। हाँ, पैसे लेने। पैसे कितने? 50,000। 50,000? अरे आप तो लोगों को पैसे देते हैं सूद पे, ये लेने कब से शुरू कर दिए? अरे भाई दिए हैं, वही वापस लेने आया हूँ। यानी आपने आनंद को 50,000 रुपए दिए? हाँ। फिर तो गए गए, यानी आनंद के दिन भर गए। हाँ ठीक है ठीक है। अरे भाई आनंद को जल्दी बुलाओ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है इंजेक्शन लेने। आनंद, वो आप इंजेक्शन के बारे में क्या बोल रहे थे? अरे भाई कुत्ते ने काटा है, इसलिए डॉक्टर के पास जाना है इंजेक्शन लेने। इंजेक्शन कितने? 7। 7 इंजेक्शन तो भी ठीक है ना, उसे तो 14 लेने पड़ेंगे। किसे? कुत्ते को। हाँ, यानी कोई पालतू कुत्ता था? मेरे घर का ही है। यानी आपके घर के कुत्ते ने आप ही को काट लिया? अरे भाई मेरी बीवी मई के से लाई है, कल मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया। कुत्ते के साथ? नहीं नहीं, बीवी के साथ। तो उसे गुस्सा आ गया। किसे? बीवी को? नहीं, कुत्ते को। तो उसने मारी छलांग को काट दिया मुझे। बीवी ने? नहीं, कुत्ते। और माणिकलाल जी, अचानक कैसे आना हुआ? उस दिन तुम मुझसे पैसे लेने आए थे अचानक। बर बर। मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे अचानक। बर बर। तुमने वापस लौटाने का वादा किया था अचानक। बर बर। तो मुझे आज याद आ गया अचानक। ये 50,000 के तब से आप इतनी लंबी लंबी क्यों फेंक रहे भाई? लेके जाइए 50,000, लेके जाइए। एक सेकंड एक सेकंड। बुनी, आज वार कौन सा? बुधवार। बुधवार? हाँ। आज बुधवार है क्या? मैं बुधवार के दिन पैसे की लेन देन नहीं करता। क्यों? ऐसा शास्त्र में लिखा है। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। हाँ हाँ कल आ जाए, लेकिन एक सेकंड, कल तो होली है। होली है? कल होली, होली के दिन मैं पैसे की लेन देन नहीं करता। क्यों? ऐसा शास्त्र में लिखा है। अच्छा तो मैं परसों आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। लेकिन आनंद, उस दिन जब तुम मुझसे पैसे लेने आए थे ना, उस दिन भी तो बुधवार ही था। हाँ लेकिन वो तो माघ का बुधवार था और ये तो फागुन का बुधवार है। ऐसा है कि शास्त्र में लिखा है कि मेरे शास्त्र में सिर्फ एक ही बात लिखी है आनंद, कि जिसे भी पैसे उधार दो उसे किसी भी हालत में सूद समेत वसूल करना। मैं परसों आऊंगा। अचानक? मैंने नहीं इसने कहा। 50,000 लेने। अचानक? मैंने नहीं इसने कहा। हाँ अचानक। ये क्या सपना दीदी, इंग्लिश म्यूजिक देख रही हो? बंद करो ये नाच गाना, इसे देख के मैं बिगड़ जाऊंगा। हिंदी म्यूजिक लगाओ। हिंदी गाने देख कर तो और बिगड़ जाएगा। नहीं हिंदी नहीं, इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी। सब क्या हो रहा है? लोगो, तुम सपना के साथ झगड़ा मत करो। चलो अंदर, मैं तुम्हें पूरन पूरी खिलाती हूँ। पूरन पूरी? वो मीठी वाली पूरी जिसके अंदर पूरन होती है? हाँ हाँ वही। वाह, फिर तो मुझे 5-6 पूरी और देना, मैं स्कूल लेके जाऊंगा। क्यों, तुम्हारी टीचर को अच्छे लगते हैं? नहीं नहीं, मेरी ज्योग्राफी मिस है ना, मिसेस सेठू, उन्हें मैं दिखाऊंगा। ये देखो मेरी दीदी ने बनाई है ये पूरी, जिस पर उन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बना लिया है। शट अप। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे आनंद, आज तो होली है, होली के दिन भी ऑफिस जा रहा है? तो क्या है ना, मेरे बॉस का अपने पत्नी के साथ झगड़ा हुआ है। तो क्या? तो अपने घर पे रुकने से डरता है, घर पे रुकने से डरता है तो ऑफिस आ जाता है, ऑफिस आ जाता है तो हमें ही बुलाता है प्रोटेक्शन के लिए। अरे लेकिन आनंद तुम ये कपड़े पहन के जा रहे? अरे आज तो होली है, रास्ते में पूरे रंग जाओगे। अरे इस रंगीला को कुछ नहीं होने वाला, देखना शाम को बिल्कुल वैसे ही आऊंगा, बगैर किसी धब्बे के, जैसे मेरे कैरेक्टर पे कोई भी धब्बा नहीं। तुम्हारे कैरेक्टर पे कोई भी धब्बा नहीं, ना इधर ना उधर। दीदी ये कैसा त्योहार है, आज के दिन भी हमारे जीजुआ तुम्हारे प्राणनाथ घर नहीं। सपना बंद कर तेरा नाटक, बहुत हो गया। ये नाटक नहीं है दीदी, हम सच कहते हैं, राम कसम। आज त्योहार के दिन भी हमारे जीजुआ घर से बाहर है। भोपो, सच सच बता, ये सब क्या है? अरे हम मधु दीदी, सपना दीदी हमेशा वेस्टर्न कल्चर में इंटरेस्ट रखती थी ना, इसलिए मैंने आज उन्हें देहाती भांग चढ़ाई है। ओह गॉड, अब ये नॉर्मल कब होगी? अरे दीदी नॉर्मल ही तो है, वरना हमेशा अब नॉर्मल होती थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की का ही बात नहीं दीदी, हम बिल्कुल नॉर्मल है, चाहे तो हम तुम्हें नाच गा कर दिखावा। बुलारा बिना चटनी कैसी बनो, बुलारा बिना चटनी कैसी बनो। देख देख बकरा रहा है बकरा। हाँ यार, मगर वो तो शरीफ लग रहा है। अबे बेवकूफ, होली के दिन शरीफ और बदमाश एक ही जैसे होते, जैसे मैं और तू। ए, तुमने मेरे को बदमाश बोला? अबे मैंने अपने आप को शरीफ कहा। एक मिनट भाई साहब, आप लोग मुझे रंग लगाना चाहते हैं? शौक से लगाई, बहुत खुशी से लगाई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? मैं फ्यूनरल में जा रहा हूँ। फ्यूनरल? कोई मर गया है क्या? नहीं, कोई पैदा हुआ है। तो कैसा सवाल पूछ रहा, लगाओ इसको एक थप्पड़। कैसा सवाल? हम मर गए यार, मेरे चाचा मर गए।
यार इतने बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, आईसीयू यूनिट में, एकदम निकल लिया यार बगैर बोले। बचपन से उन्होंने पाल पोस के मुझे बड़ा किया, कहते थे आनंद। अरे भाई साहब, ये आनंद कौन है? ये अरे यार कैसा सवाल पूछा लगा इस पर। कहा करते थे आनंद, जब मैं मर जाऊं तो मुझे अग्नि तुम ही देना। ये रो रहे हो? नहीं मैं रो रहा हूँ। हाँ फिर आगे बोलो भाई साहब। सॉरी सॉरी। ध्यान दे यार, ये दुखी आदमी है, दूसरे किसी को पकड़ते हैं। हाँ यार, और उसे आग देने भी जाना है ना। तुम लोग के वक्त भी मैं ही दूंगा। हाँ? मतलब तुम लोग के बुरे वक्त भी मैं ही काम में आऊंगा। थैंक यू। नहीं नहीं, कलर है चाचा मर गए, कलर है चाचा मर गए। एक सेकंड यार, पुराने मानो होली है। क्या हुआ ने? क्या बताऊं प्रिया, सुबह से इसी तरह हंस रहे, मैं कुछ भी कहती हूँ तो है इधर का हंसने लगता है। सुनो जी, क्या हुआ? हाँ अब बात समझ में आई, लगता है इन्होंने भांग चढ़ाई है। भांग? सुनो जी, आपने भांग पी है क्या? आपने भांग पिया क्या? भांग? भांग क्या? अरे आपने भांग पिया क्या? भांग? नहीं नहीं, मैं भांग नहीं पीता। फिर आप हंस क्यों रहे? क्या है, मेरी सुनने की मशीन गुम हो गई, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। हा? और मेरी बीवी को जोक मारने की आदत है, उसके जोक पर मैं हंसा नहीं तो मुझे बहुत मारती है, इसलिए सेफ्टी में मैं हंस रहा हूँ। क्या सुबह से घरे की तरह हंस रहे हो? सुनो, मैं तुम्हें क्या बंदरिया दिख रही हूँ? अरे यार पांडू, एक बात बता। क्या? अपना आनंद अब तक नहीं आया? वो देखो बॉस आ रहे, बॉस आ रहे। बॉस, आज होली है। क्या करना है? तो आपको रंग लगाना है? नहीं नहीं, डोड़े हो क्या? बच्चा है क्या रंग के साथ खेलता है? आज बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए बॉस ने मूर्ख होकर तुमको ओवर टाइम दिया और इधर बोला तो रंग से खेलता है। काम लगो, कामे लगो, कामे लगो। बोलो सर, मैं आपको रंग लगाऊं? लगाओ, आज होली है, लगाना ही बनता है। बॉस तुम्हारा ही है, लगाओ। सर आप आंख बंद कर लीजिए। समझ गया, आंख में जाएगा इसलिए हो गया। वेरी मच इंडीड। देखो किसको बताना नहीं, कल वासी होली खेलेंगे। क्या खेलेंगे? आप क्या मारे? बस काम लगाओ, लात मारेगा चौकस जगह पे, नहीं तो क्या। ये अपना बॉस तो एकदम लेडी स्पेशल निकला, लेकिन दूसरा लेडी स्पेशल है किधर? वो देखो आनंद आ गया। चलो सर रंग लगाते हैं। आनंद होली है। एक सेकंड, क्या हुआ? बहुत बुरी खबर है, बैड न्यूज। मेरे चाचा गुजर गए, उन्हीं के फ्यूनरल अटेंड करके आ रहा हूँ। कंडोलेंस मीटिंग भी हुई, इसलिए तो ये काला चश्मा पहना। काले है ना? अभी 12 दिनों तक कोई त्योहार नहीं अटेंड कर सकता, रंग भी नहीं लगा सकता, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। सो सॉरी आनंद, ये कैसे हुआ? मेरे चाचा बहुत बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, आईसीयू में। मरने से पहले मैंने उन्हें रोका भी, थोड़ा रुक जाइए आईसीयू, नहीं माने, निकल लिए। आनंद, पिछले साल होली में तुम्हारे एक चाचा गुजर गए थे, बराबर? नहीं, वो मेरे मंझले चाचा थे। उसकी पिछली होली में मेरे बड़े चाचा थे, ये वाले संजले। मुझे ऐसा लगता है कि अगली होली में मेरे छोटे चाचा के बच्चे भी यतीम हो जाएंगे। क्या कह रहे हो यार? मेरे लिए कसम से ये सारी होली बहुत अनहोली साबित हुई। लग रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, लगता है मेरी नसीब में होली खेलने लिखा ही नहीं। सॉरी आनंद, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मी टू। किस लिए? तुम्हारे चाचा जो गुजर गए। चाचा जो गुजर गए? अभी तूने ए भांग ले लो, भांग ए भांग ले लो, भांग हस्ती भांग, ये रोती भांग, गपला भांग, ए भांग। डैनी गुलशन, कैसा चल रहा है धंधा? एकदम जोर में ना भाई। वो मैंने हस्ती भांग का ऑर्डर दिया था, क्या हुआ उसका? पापा जी, अरे जय शिव शंकर। आज तो मैं सबको पिला के छोड़ूंगा, देखता हूँ कैसे नहीं हंसते।
अरे ये तो हस्ती भांग का पूरा ड्रम लेके गया। ये कौन है ये? ए, तुमने इसको पहचाना नहीं? नहीं। अरे हिंदी फिल्म का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, हेमंत भाई देसाई करके। हेमंत भाई देसाई? लेकिन उसको भांग क्यों चाहिए? अरे क्या है, उसकी कॉमेडी फिल्म लगी है ना, कोई पब्लिक हंसती नहीं थिएटर में। अरे इसलिए मैं हस्ती भांग लेके गया ना, अब सब पिएंगे और हंसेंगे। डैनी भाई, मैंने गलती से गलती कर दिया। क्या हुआ? मैंने उसको हस्ती बांग की बजाय रोती बांग का गैलन दिया। अरे जान दो यार, कॉमेडी में ट्रेजेडी हो जाएगी। बोलो बोली भाई, आपको क्या चाहिए? मुझे लाइट में कोई स्ट्रॉन्ग भांग देना आनंद के लिए। एक एकदम स्ट्रॉन्ग है, बोलो चाहिए क्या? कौन सी है, कौन सी है? फुल फिल्मी सॉलिड पावरफुल। हाँ यार, अपना चाचा है ना, फिल्म सिटी के मंदिर में बैठ कर ऐसे घोट घोट के भांग बना रहा है। अरे कोई भी पिएगा ना, एक्टिंग करने लगेगा। और जिसको एक्टिंग नहीं आता वो भी एक्टिंग करेगा। तो जल्दी दे दो, आनंद को पिला के आज एक्टर बना देता हूँ। ये लो, पैसे लिख के रखना। मैं हर रोज तुम्हारे लिए बस एक ही शेर पढ़ना चाहता हूँ कि गुलों से तो खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। आधा वर्ष है। ये शायरी मैंने कारिश में पढ़ी थी। हाय आनंद, होली मुबारक, होली मुबारक। मेरी भांग लाए? हाँ लाए हो, लाए हो। प्रिया तुम खाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पिछले साल मैंने खाई थी, ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में ही उड़ रही हूँ। ऐसा क्या? आनंद तुम्हारे लिए स्पेशल स्ट्रॉन्ग भांग लाया हूँ। स्ट्रॉन्ग भांग? अरे आज तक दुनिया में ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग भांग नहीं बनी है जो आनंद सिन्हा पे चल सके। प्रिया भाभी, आपको पता है डैनी गुलशन ने भांग का स्टॉल लगाया, उनके पास अलग अलग तरह की भांग है। अच्छा, ये कौन सी है? ये फिल्मी भांग है, इसे खाते ही आदमी अलग अलग फिल्मी कैरेक्टर में घुस जाता है। आनंद, आनंद, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। बोलो आनंद, अरे 5 साल से तुम्हारी बक बक सुनती आ रही हूँ। बोलो आनंद, बाबूशाय। अरे बाबूशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बाबूशाय, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथों में, जापना इसे कोई नहीं बदल सकता। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। लगता है कैसेट पास फॉरवर्ड हो गई। कैसी बनी, कैसी बनी? फुलोरे प्लीज बंद करो ये सब। नहीं दीदी, हमें नाचने दो ना। फुलोरे भी नचटी। तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाना है? हाँ दीदी, तुम जाके चूल्हे में रोटी पकाओ, तब तक हम जाकर भैंस का दूध निकाल कर आते हैं। भैंस का दूध? सपना, दीदी इसे जाने दो, इसने देहाती भांग पी है। और तुम्हें क्या हुआ है? मैंने हस्ती भांग पिया। हाय राम, मुझे तो रोती भांग पिए भी अभी रोना आ रहा है। सपना तुम ऐसा करो, थोड़ा नहा लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। हाँ दीदी, हम वही सोचे थे। गुड। हम नहाने कहाँ जाए? कुएं पर या नदी किनार? हाय राम। हाय रे दैया। अरे यार महारानी। प्रकाश भाई अब यहाँ? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, जो है नाम वाला वही तो बदनाम रे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम रे। हाय भोपू, जिसका भाई मोटा उसका भी बड़ा नाम रे, गोद में बिठा लो। हेलो डॉक्टर विश्वनाथ, मैं बोनी बोल रहा हूँ, आप जल्दी यहाँ आइए। ओके डॉक्टर, कोई बीमार है क्या? अरे आपको क्या करना है? नहीं नहीं, क्या है, आनंद को भांग का नशा हो गया, आप जाइए बाद में आइए। अरे मुझे देखेगा ना तो उसका भांग का नशा बशा सब कुछ उतर जाएगा। आज तो मैं इस पैसे का लफड़े को मिटा कर ही रहूंगा। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, जमाने से हम नहीं। चलो आनंद। अरे माणिकलाल जी, इसके पहले कि आनंद जोगिंदर के कैरेक्टर में घुस जाए, आप यहाँ से जाइए, वरना बहुत मारेगा आपको। ठीक है, मैं कल आऊंगा, अगर इसका नशा उतर गया तो। 8 दिन में तीसरी डकैती, पुलिस को चकमा देके भाग गया है। क्या हो रहा है भाई? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लबान लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग? सर, आपने आज की ये न्यूज देखी?
डॉन ने आज फिर एक बैंक लूट ली। अरे डॉन को मारो, बोली अपना डॉन किधर है? What is your program for today, Mr. Anand Sinha? Mr. Anand Sinha, what is your program for today? Sir, आजकल इलेक्शंस के दिन चल रहे हैं, शायद उसे अंग्रेजी पसंद नहीं है, हिंदी में बात कीजिए। I can talk English, I can walk English, I can laugh English. English is a very funny language. Bhairo becomes Byron and Byron becomes Bhairo because their minds are very narrow. In the year 1929, sir, when India was playing against Australia and Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease. And Vijay Merchant told Vijay Hazare, look, Vijay Hazare, this is a very prestigious match and you must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run, and while they were striking the ball on the left side, sir, this consideration became into an ultimatum, and ultimately Vijay Hazare went to Vijay Merchant. Similarly, sir, in the year 1979, when India was playing against Pakistan in Wankhede Stadium, Bombay, Wasim Raja and Wasim Bari, they were at the crease. And Wasim Bari gave the same consideration to Wasim Raja, and Wasim Raja told Wasim Bari, look, sir, this ultimately has to end in a consideration which I cannot consider. Therefore, the consideration that you are giving me must be considered very ultimately. And therefore, the runs they were taking, Wasim Raja told Wasim Bari, you take a run. And ultimately, they both ran, and considerately, they got out. Sir, mere sir, सामान्य ज्ञान पर आपको कुछ विशेष टिप्पणी करनी है? लगता है उसने भांग पी ली है। सर ये भांग, सॉरी सर, ये भांग क्या होती है? भांग ये है कि भांग के साथ तुमको क्या काम है? चलो अपने अपनी कुर्सी पे बैठो, काम चलो। जाया मोटा सीरियस सलाह, इसी कुर्सी के चक्कर में तूने न जाने कितने मासूम लोगों की जाने ले ली है। समझा, आज अपन फुलटू में तेरा फुलटू कर डालेगा, फाड़ डालेगा तेरे को, और तेरे अंदर ये जो 55 साल का घी का स्टॉक है ना, उधर से अपन एक पाइपलाइन डालेगा। क्या डालेगा? पाइपलाइन, बीच में नहीं बोलूंगा। तो इधर से अपन एक पाइपलाइन डालेगा भोई वाला से लेके भाईंदर तक। ऐसा समझ ले, आज अपन डिसाइड किया है कि तेरे को फिनिश कर ले। तो मोड़े शेरिया, आज तेरा मौत किस्सा डिपेंडमेंट है, समझ रहे? अपन इंग्लिश बोल रहे हैं क्या? अल्लाह की क्यों निकल, एक काम करो, आज हॉलीडे डिक्लेयर कर लो। बैंक हॉलीडे, चलो निकल जाओ। अरे पांडो, अब देखो इधर आओ, उसका सोलो एक्टिंग है ना, वन मैन शो खत्म होगा कि तुम भी चुपचाप भर जाओ, ऑफिस को ताला मार के घर निकल जाओ। ओके, चलो जाया। भांग भरो सजन। क्या डॉन ने एक और बैंक लूट ली? लगता है ये डॉन पुलिस के साथ साथ अपने बॉस को भी चकमा दे रहा है। अपना बॉस भी क्या यार, न डॉन की फोटो दी है, न उसका हुलिया मालूम है, और उसे पकड़ेंगे कैसे? ऐ साला, ऐ डॉन की तलाश तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, समझा? ऐ डैनी गुलशन लफड़ा हो गया। क्या हुआ? अरे कल की फिल्मी भांग आनंद को पिलाई तो अब तक उसका नशा ही नहीं उतरा। तो ठीक है ना, पोकट में सबके एक्टिंग देखने मिलती होगी। हाँ, एक टिकट लगाकर शो रखने का, मिमिक्री आइटम, नाइट ऑफ आनंद लीवर, सालगिरह पैसा मिलेगा। नहीं नहीं यार, मजाक छोड़ो यार, नशा उतारने के लिए उतार दे दो, वो अपन के बस नहीं है। तुम्हारा वो चाचा कहा है फिल्म सिटी वाला, उसे तो मालूम होगा उतार, उसी ने तो भांग बनाई थी ना। अरे इसे क्या हो गया? क्या कल भांग बनाई ना, तब से सोया, अभी तक जागा ही नहीं। अरे लेकिन इसे क्या हुआ क्या? अरे उसने सब अलग अलग भांग का टेस्ट लिया और खुद लूडो को गया। अब जब तक वो होश में नहीं आएगा, आपको उतार नहीं मिलने वाला। आनंद, अब तेरा क्या होगा? मजा आ रहा। क्या नाम है तुम्हारा? जॉनी, असली भी जॉनी, नकली भी जॉनी। और भी कुछ नाम है तुम्हारा? जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया, दो हसीन आंखें मेरी तरफ घूर घूर के देख रही थी, और दिल धड़क धड़क के कह रहा था, जॉनी बेटी तेरी मंजिल यहीं पर है, लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरी के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तीन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के और कुछ नहीं रहेगा। अरे दो दिन जेल के अंदर रहेगा ना तो जॉनी बाहर आ जाएगा। अरे ठीक, दुनिया की कोई भी जेल की दीवार इतनी मजबूत नहीं है जो गब्बर को दो दिनों तक जेल के अंदर रख सके। और जिस दिन जेल तोड़ के बाहर निकल गया ना, बहुत पछताओगे।
बोल, दबा दूं तेरा ये टेटुआ? टेटुआ तो है। मजा आ गया, मजा आ गया। ये पिक्चर तो डेली चेंज है, तेरे तो मैं पोस्टर छुपाऊंगा। अरे हवालदार झेंडे, ये डॉन नहीं है, ये आनंद है, आनंद। अरे मालूम है रास्ते में फोकट में तमाशा दिखा रहा था, मैंने बोला आज यहाँ कुछ काम नहीं है, यहाँ आकर तमाशा दिखा, नशे में धुतता है। गुरु आज भावो में ये भूत घिनेगा 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 गुलाब सागी सागी समझते हैं सागी पिलांदे 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 एक गिलास जुला। अरे हवालदार झेंडे, इसने भांग पिए इसलिए मैं उतार लेकर आया हूँ, ये देखो। हाँ, ये तो भांग है लेकिन ये उतारने वाली है, चढ़ने वाली नहीं। डैनी गुलशन के चाचा जाग गए इसलिए उनके पास से लेकर आ रहा हूँ। खिला दो खिला दो। देखो डॉन, तुम्हारी तबीयत खराब है, ये दवा खा लो दवा। एक सेकंड, माँ कहा करती थी कि जब और कोई रास्ता ना बचे तो इस रास्ते पे भी चल के देख लिया। लड़ रख लो, दो मुझे ये अग्निपथ का गोला, जिसे खा के मैं मुकद्दर का सिकंदर बन जाऊं। क्या बोलता है खाकी बादशाह? अरे कुछ भी बन जाओ, कहा जाओ। Who says what is done cannot be undone? अरे बुनी, ये हवालदार झंडे हवालदार के ड्रेस में हमारे ड्राइंग रूम में क्या कर रहा है भाई? अरे आनंद, ये अपना घर नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। क्या बात कर रहे हो भाई? प्रिया भाभी हाँ? आनंद कहाँ है? थैंक गॉड, आनंद बिल्कुल ठीक हो गया। पता है दो दिनों से हम लोग कितने परेशान थे। अरे अच्छा हुआ उसे उतारा मिल गया, लेकिन आज तो मैं पैसे वसूल करके ही रहूंगा। अरे उसके शास्त्र में कुछ भी लिखा हो लेकिन आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। आनंद देखिए प्रिया भाभी, आप बुरा मत मानिए लेकिन अगर ये लाला पैसे देना जानता है तो पैसे लेना भी जानता है। गरीबों का खून चूसने वाले लाला, आज मेरे सर पे खून सवार है रे, आज मैं तेरी जान ले लूंगा, तेरी बोटी बोटी कर दूंगा रे, मेरे सर पे खून सवार है, सवार है, सवार है। अरे बाप रे, इसका नशा तो अभी तक उतरा ही नहीं, भाग लाला भाग। भाग गया साला। Oh, no.